और अब आज शिक्षा के मंदिर में श्रीराम के नाम पर छिड़े घमासान की देश के दो शहरों से हैरान करने वाली खबर आई। जम्मू के कठुआ और मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्कूली छात्र को जय श्रीराम लिखने पर शिक्षक द्वारा पूरी तरह पीटा गया, जिसके बाद छात्र के परिवार वालों और हिंदू संगठनों ने खूब हंगामा किया। आखिर शिक्षा के मंदिर में राम के नाम पर क्यों छिड़ा संग्राम, देखिए ये रिपोर्ट। स्कूल में जय श्रीराम पर कोहराम, उज्जैन टू कठुआ नफरती पाठशाला, देश के दो राज्यों से धार्मिक नारे पर स्कूल में हंगामे की खबरें आई हैं। पहला मामला एमपी के उज्जैन का है, जबकि दूसरा जम्मू के कठुआ का। दोनों ही जगह स्कूल में छात्र के जय श्री राम लिखने पर टीचर की कार्रवाई सवालों के घेरे में है, साथ ही प्रशासन और हिंदू संगठन भी एक्शन में आ गए हैं। सबसे पहले बात एमपी के उज्जैन की, जहां स्कूल में जय श्री राम लिखने पर छात्र को थप्पड़ मारने का मुद्दा गरमाता जा रहा है और स्कूल के खिलाफ हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीरें उज्जैन के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की हैं, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो शनिवार यानी 26 अगस्त का बताया जा रहा है, जब जय श्री राम लिखने वाले छात्र की पिटाई की खबर मिलने पर एबीवीपी ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और स्कूल का घेराव किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल कैंपस में हंगामा करते हुए भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। एबीवीपी नेताओं का कहना है कि अगर बच्चे ने स्कूल में जय श्री राम लिख दिया तो उसे पीटा क्यों गया। उज्जैन के जिस कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की ये घटना है, वहाँ से पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। और ऐसे आपको पूछा भी नहीं जाता कि भारत माता की जय हो। एबीवीपी का आरोप है कि स्कूल में बच्चों के हाथ में कलावा बांधने और बच्चियों के कान में बालियां पहनने पर भी मनाही है, साथ ही प्रार्थना के बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे देशभक्ति के नारे भी नहीं लगाने दिए जाते। ने जो सिलसिला चल रहा है ये चलता ही रहता है, कोई ना कोई स्टूडेंट्स के फोन आना या पेरेंट्स के फोन आना आते रहते हैं, जिससे हम परेशान थे और हमने फिर जब पूरा संज्ञान लिया इस विषय को लेकर तो आज आपके सामने रिजल्ट है। एबीवीपी के आरोपों पर स्कूल प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है, हालांकि स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस मामले में शिकायत आने पर कार्रवाई होगी। एबीवीपी के छात्र थे, वो अपना सदस्यता अभियान के लिए गए थे, मैनेजमेंट के साथ में वहाँ पे उनकी बातचीत हुई, पुलिस बल भी मौके पे मौजूद था और शांतिपूर्वक उनका कार्यक्रम, कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन जैसा ही मामला जम्मू के कठुआ में भी हुआ, यहाँ भी स्कूल में जय श्री राम के नाम पर बवाल मचा है। आरोप है कि हायर सेकेंडरी स्कूल के एक छात्र ने क्लास के ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया तो एक मुस्लिम शिक्षक ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी शिक्षक छात्र को लेकर प्रिंसिपल दफ्तर में पहुंचा, जहां प्रिंसिपल ने भी छात्र की पिटाई की। उसे सर ने मारा मुझे, फिर घर वाले सुबह दे लिया। क्यों मारा? जी सर, मैंने उधर बोल दिया कि जय श्री राम लिखा था उसकी वजह। स्कूल में छात्र की पिटाई की खबर फैलते ही पूरे शहर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जगह जगह स्कूल टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। छात्र की पिटाई के आरोप में पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के साथ ही आईपीसी की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जो भी हालात हुए इसकी जानकारी हायर अथॉरिटी को दी गई और डीसी साहब ने तुरंत इस पे कार्रवाई करते हुए एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है। किस किस्म के लोग, जो लोग हैं जो हमारा भाईचारा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम नहीं होने देंगे, सस्पेंड किया जाएगा और इसको ट्रांसफर किया जाएगा। ये घटनाएं भले ही अलग अलग शहरों की हों, मगर इनका मकसद एक है, क्योंकि इन घटनाओं से ये पता चलता है कि शिक्षा के मंदिर में भी किस तरह सांप्रदायिकता हावी हो रही है और देश की युवा पीढ़ी को साजिश के तहत बांटने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।